तो क्या आप भी अपने WhatsApp में बोलकर टाइपिंग करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने WhatsApp पे यहाँ पर बोलकर कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी किसी भी भाषा में? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चलिए हम अपने WhatsApp को ओपन करते हैं। WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, हम किसी भी चैट को ओपन कर लेते हैं। चैट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम मैसेज पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वॉइस यहाँ पर टाइपिंग करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जिससे यहाँ पर आप अपने वॉइस से यहाँ पर टाइपिंग कर सके, बल्कि आपको यहाँ पर खुद से टाइपिंग करनी होती है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो, तो इससे हमारा काफ़ी समय यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, मतलब बर्बाद होता है। तो हम यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर वॉइस टाइपिंग जल्दी से जल्दी कर सकें, यानी जल्दी से जल्दी टाइपिंग हम कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसका नाम, चलिए यहाँ पर हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर सर्च बार में आएंगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है गूगल इंडिक। लिखकर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप 100 मिलियन से भी ज़्यादा इसके यहाँ पर डाउनलोडर है। इसे आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग हो रही है, इसे आप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इसका लिंक आपको हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उसे यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम यहाँ से बैक आते हैं। इस तरीके से इसका आपको आइकन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर लिखा होगा सेलेक्ट इनपुट मेथड। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडेक्स बिल्कुल इसी पर क्लिक कर लेना है, इंडेक्स एप्लीकेशन पर। इसके बाद देखिए लिखा है सेट एस परमिशन, तो हम यहाँ परमिशन पर अलाउ कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पर हम यहाँ टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम राइट स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डन का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये बोला गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पर हम स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपने यहाँ पर WhatsApp को ओपन करेंगे, तो किसी भी चैट को यहाँ पर आप अपने ओपन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं मैसेज पर, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो गूगल इंडिक कीबोर्ड है यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, तो सिंपली इस मैक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा, लिख के तो लिख दिया मैंने वॉइस टाइपिंग, तो ये देखिए यहाँ पर चला गया। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। आप जैसे यहाँ लिखेंगे हाउ आर यू, तो यहाँ पर देखिए आ चुका हाउ आर यू, और जो कुछ भी बोलते रहेंगे वो यहाँ पर टाइप होता रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं या बोल रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर टाइप होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ कर देते हैं कट। करने के बाद जहाँ से हम बैक आते हैं, और यहाँ पर बैक आने के बाद ये जो चैटिंग है इसे चलिए अभी सेंटी कर देते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जाएगा इसे रिमूव करने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके का आपको आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज मिलती हैं, यानी ढेर सारी भाषाएं मिलती हैं। आप किसी भी भाषा में यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदी का कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप हिंदी में भी कुछ भी यहाँ देखिए टाइप कर सकते हैं। यदि आप किसी और भाषा में यहाँ पर टाइपिंग करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आइकन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। फिर हम यहाँ से गुजराती भाषा को, चलिए हम आपको चूज़ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से आएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए गुजराती का कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुजराती में हम यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन अपने को भाई गुजराती नहीं आती है, तो हम यहाँ से कट करके इसे रिमूव कर देंगे, और इस वाले आइकन पर फिर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर इस फिर क्लिक करेंगे। आप मराठी, पंजाबी, चलिए यहाँ पर देखिए पंजाबी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके किया हमने, और यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब पंजाबी चालू हो गई, अभी हम इसके बारे में तो मालूम नहीं है, हम इसे कट कर देते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल भाषाओं में भी चैटिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो भी भाषा चाहे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर टाइप होता रहेगा कुछ इस तरीके से। तो आप अपने मोबाइल में और अपने WhatsApp में इसी तरीके से वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।